पीलीभीत में आयोजित बूथ सत्यापन अभियान कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के बूथ सत्यापन अभियान के तहत पुरनपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों के अलावा बूथ कार्यकर्ताओं भी मौजूद रहे। पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता के पुरनपुर ब्लॉक सभागार में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ता अपनी कमर कस ले और चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाए। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं गांव-गांव में लोगों तक पहुंचे, उसके लिए उन्हें जानकारी देते हुए लोगों को बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने जो वादे किए थे वह पूरा कर रही है। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनेगी, यह कहते हुए कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अन्य जरूरी दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। वहीं सम्मेलन में भाजपा के विधायक बाबूराम पासवान व भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, जिला प्रभारी पूरन लाल लोधी, जिला प्रमुख प्रतिनिधि आशुतोष दीक्षित व समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे विधानसभा बूथ योजना थी और ऐसी बूथ योजना हमारे प्रत्येक बूथ पर 21 लोगों की कमेटी बनेगी और उससे ज्यादा हो तो ज्यादा भी सकते हैं, पूरे सबको समाहित करते हुए ऐसी कमेटी बनेगी और ऐसा हमारा कार्यकर्ताओं में पूरा एक संदेश है कि दोबारा हम फिर भारी बहुमत से जीते हैं और पहले से ज्यादा सीटें जीते हैं, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता तपस्वी कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता के मन में ये भाव है कि हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जब विश्व कांप रहा था और भारत के अंदर अगर सबसे अच्छा काम किया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने खुद कोरोना में संक्रमित रहते हुए जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, आज हमारे उत्तर प्रदेश से लगभग कोरोना समापन की हुआ है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं में जोश और जज्बा, उत्साह और उमंग है और हर एक के अंदर इतनी ऊर्जा है कि बहुत भारी बहुमत से हम दोबारा बहुमत की सरकार बनाए।